कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो तीन लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद के सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सकें। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है, एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को संरक्षित अपने संरक्षण में करवाते हैं।